नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सवेरा। इस समय हम खड़े हैं गांधीनगर विधानसभा हलका बहू में। ये विधानसभा हलका है जहां भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ज्वाइंट जो उम्मीदवार है वो चौनों विधान में उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे सबसे पहले जो वोट था वो गुलाब नबी आजाद जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे जम्मू कश्मीर में उन्होंने डाला। उसके बाद जो वोटों का सिलसिला शुरू हो गया। अब लगभग 8 बजने वाले हैं और जो मतदाता है वो लगातार आ रहे हैं। आपको बता दें कि 86,000 जो सुरक्षा कर्मचारी हैं इस तीसरे और आखिरी चरण में जो मतदान हो रहा है उस पर लगे हुए हैं और 39 लाख लोग हैं जो इस बार तीसरे चरण में जो भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि 40 सीटें कुल हैं जहां आज मतदान हो रहा है। इसमें कश्मीर और जम्मू की भी हैं। अगर कश्मीर की 20 सीटें जो हैं जम्मू से हैं और 16 सीटें जो हैं वो कश्मीर से हैं। और कश्मीर की बात करें तो आज वहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में भी पुख्ता इंतजाम है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी जो कठुआ के बलावर इलाके में मिलिटेंटों की तरफ से एक हमला किया गया था जिसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आप बता दें कि अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, करेन, तरगाम, कुपवाड़ा, लुलाब, हिंदवाड़ा, लंगेट, सोपोर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग, पटन, सोनावाड़ी और गुरेज सेक्टर में जो हैं वहाँ आज चुनाव हो रहे हैं। ये कुल 16 विधानसभा हलके हैं और यहाँ पर लगभग 40,000 जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं। इसी तरह आप बात की बन्नी की करें, कठुआ के एक बन्नी इलाका है वहाँ की करें, वहाँ बन्नी, बसोली और कठुआ सोटाइए और हीरानगर 6 सीटें हैं जहां 10,000 के कर्मचारी जो हैं वो इसमें लगाए गए हैं। और इसी तरह जम्मू के जिला बिश्नाह, सुचेतगढ़, आरसपुरा, बाहू जहां हम खड़े हैं, उसके अलावा जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, छम इलाके में जो हैं लगभग 20,000 के जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो इन चुनाव में उतारे गए हैं। इसके अलावा उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में चनैनी, रामनगर, उधमपुर में जो पूर्व है पश्चिम उधमपुर, 10,000 के करीब जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इस चुनाव को देख रहे हैं। उसे कि तीसरे चरण में जो बॉर्डर बेल्ट है उसमें भी आप बता दें कि 3 हीरानगर, रामगढ़ ये 2 हैं और छम, हीरानगर, रामगढ़ और बिश्नाह जो हैं वे भी बॉर्डर बेल्ट है। उसके अलावा सुचेतगढ़, मढ़ और छम ये सभी सीटें जो है ये बॉर्डर बेल्ट की हैं जहां हम अक्सर गोलाबारी की आप बातें सामने आती रहती थी। मगर देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।